जानकारी और बातचीत के लिए। तो दूसरी पाली की भी परीक्षा समाप्त, हालांकि इस दौरान चाक चौबंद व्यवस्था, कहीं से कोई नकल या कोई अफवाह की खबर नहीं। बढ़ता आगे, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार यूपी की सियासत गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर उपचुनाव की बारी, और ऐसे में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी खुद दिशा निर्देश दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से ही यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद बीजेपी अब अपने आने वाले चुनावों में फिर से दोबारा मजबूती से उतरने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में सीएम योगी ने इस बार चुनाव की कमान खुद संभाली है। सीएम लगातार उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां उपचुनाव होने वाले हैं। सीएम कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने कल आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार से मुलाकात कर चुनाव को लेकर बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तमाम जगहों पर दौरे कर रहे हैं, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सहारनपुर, गाजियाबाद। उन्होंने नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, वहां की विकास की समीक्षा की है और पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए हम कृतसंकल्पित हैं। 2024 में इंडी गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कुछ झूठी योजनाओं का प्रचार करके, कुछ भ्रम फैलाकर कुछ सीटें हमसे ज़्यादा जीत ली थी, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के बाद इनकी कलई खुली है, तमाम प्रकार के अपराधों में समाजवादी पार्टी के लोग सीधे लिप्त मिले हैं, तो जनता को यह संदेश हो गया है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए वही है कि लड़कों से गलती हो जाती है। अब जनता इनके पैर में आने वाली नहीं है, जनता इनके भुलाव में आने वाली नहीं है। अभी तक तो जो लोकसभा के चुनाव में जो एजेंडे थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लीक होती परीक्षाएं, उन पर तो सरकार कहीं खड़ी उतरी नहीं। एजेंडे यथावत हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संभाले, पहले वाले में तो प्रधानमंत्री जी संभाले थे, क्या हुआ? तो जनता ने चूंकि मन बना लिया है, हमें उम्मीद है समाजवादी पार्टी 10 की 10 होगी। सीएम योगी ने फिलहाल खासकर 2 सीटों की जिम्मेदारी ली है, अयोध्या की मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा। इन दोनों जिलों में सीएम योगी ने दौरे करके कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। अयोध्या को लेकर सीएम योगी इस बार काफी सतर्क है, इसी के चलते सीएम ने मिल्कीपुर का 3 बार दौरा किया, अम्बेडकर नगर, मीरापुर और गाजियाबाद में 1-1 बार दौरा किया। सीएम जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर एक्टिव है, उससे बीजेपी कार्यकर्ता का उत्साह काफी हाई है। लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत परिणाम न आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को अपनी नाक की लड़ाई बना ली है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन इलाकों में जहां चुनाव होने हैं, उन विधानसभा सीटों पर जहां चुनाव होने हैं, वहां एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार गए, तो वहीं अम्बेडकर नगर के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद का भी दौरा कर चुके हैं। सभी 10 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी निगाह बनाई हुई है और इसके लिए बाकायदे मंत्रियों की एक फौज भी उतार दी गई है। 30 मंत्री सभी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी करेंगे और इसकी समीक्षा भी समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की अपनी टीम बनाई। हर विधानसभा के लिए 3 मंत्री तय किए गए जो सीधे तौर पर योगी को फीडबैक देने वाले हैं। ये मंत्री जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और वहां की स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे। जिन 30 मंत्रियों को चुना गया है, उसमें जमीनी स्तर पर इन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बार का उपचुनाव यूपी की सियासत में बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि इन सीटों के चुनावी नतीजे सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव में असर करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में विधान